नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। साथ ही जेट मिशन 2020 में भी आपका स्वागत है। तो हम एग्रीकल्चर कर रहे थे और एग्रीकल्चर में हमारा सीड हो गया था और आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा खरपतवार। खरपतवार या फिर वीड, खरपतवार को क्या बोलते हैं भैया, वीड भी बोलते हैं या खरपतवार। आज का हमारा क्या रहेगा, नया टॉपिक रहेगा वीड किसको बोलते हैं, इसकी वीड की क्या क्या गुण होने चाहिए या क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, और बीज है सॉरी वीड है उसको किस किस भागों में बांटा गया या किस किस डिवाइड किया गया है। तो खरपतवार, तो सबसे पहले अपने दिमाग में यही क्वेश्चन उठता है कि खरपतवार है उस वो किसे बोलते हैं, खरपतवार किसको बोलते हैं, खरपतवार किसको बोलते हैं। तो खरपतवार वे अवांछनीय पौधे होते हैं जो खेत में बिना उगाए उगाते हैं। पहली तो बिना बुआई किए वे ही उगाते हैं, ठीक है, बिना बोए उगाई के वे उगाते हैं और फसलों को लाभ के बजाय क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। किसान की आय में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं, किसान की आय में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। मैंने एक नाम लिया अवांछनीय, क्या अवांछनीय पौधे, अवांछनीय पौधे मतलब इसका कोई भी हम पहले डिफाइन नहीं कर सकते कि ये वही कौन सा भी पौधा हो सकता है जिसको अवांछनीय बोलते हैं, कि वे अवांछनीय पौधे जो खेत में बिना उगाई किए वे उगाते हैं, फसलों को हानि पहुंचाते हैं, किसान की आय में कमी करते हैं, क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। समझ में आ गया भैया खरपतवार है किसको बोलते हैं। उसके बाद आता है वीड शब्द का इस्तेमाल किसने किया, वीड शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, बताइएगा। अभी मैंने बताया था हमारी क्लास हुई थी, विभिन्न विभिन्न मतलब शब्द किसने दिए थे, उसमें एक शब्द वीड या खरपतवार भी था कि खरपतवार शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया या सबसे पहले खरपतवार शब्द किसने दिया था, बताइएगा। जी हाँ, जेन्थ्रो टूल नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने वीड शब्द के बारे में सबसे पहले बताया था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया वीड किसे बोलते हैं और वीड शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वीड शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था, परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं भैया, वीड की डेफिनेशन हो गई, वीड शब्द किसने दिया, उसके बाद आता है वीड के करैक्टरिस्टिक या गुण, वीड के करैक्टरिस्टिक या गुण या फिर उसकी विशेषताएं, वीड की विशेषताएं, वीड की विशेषताएं, वीड की या खरपतवार की क्या क्या विशेषताएं होती है। एक तो होता है इसमें अधिक बीज उत्पादन होता है, क्या होता है, अधिक बीज उत्पादन होता है, अधिक बीज उत्पादन होता है। खरपतवार होता है ना, खरपतवार में साधारण फसलों की तुलना में अधिक बीज उत्पादन होता है, कि साधारण फसलों की तुलना में क्या होता है, उसमें अधिक बीज उत्पादन होता है। जैसे जंगली चौलाई ले लो, जंगली चौलाई एक वीड है, जंगली चौलाई एक वीड है जो 196,000 बीज उत्पादन करता है भैया, 196,000 बीज उत्पादन करता है। उसके बाद खतो बथुआ है,
उसके बाद बथुआ आता है जो 72,000 कितने 72,000 बीज उत्पादन करता है, ठीक है। उसके बाद अमरबेल आ गई, अमरबेल 16,000 बीज उत्पादन करती है, कितना 16,000 बीज उत्पादन करती है, ठीक है। इसमें मुख्यतः बथुआ मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और जंगली चुलाई, बथुआ और जंगली चुलाई परीक्षा की दृष्टि से क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि बथुए का एक पौधा एक सीजन में कितने बीज उत्पादन करता है, तो वो कितने करता है 72,000 बीज उत्पादन करता है, कितने करता है 72,000 बीज उत्पादन करता है, ठीक है। उसके बाद या इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसा कौन सा खरपतवार होता है जो सबसे अधिक बीज उत्पादन करता है, तो जंगली चुलाई होता है जो 1,96,000 बीज उत्पादन करता है। ये इसकी विशेषता है भी अधिक बीज उत्पादन करना, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है वीड की है, वो जड़ें गहराई तक जाती है, इसकी दो नंबर विशेषताएं, वीड की जड़ फसल की अपेक्षा गहराई तक जाती है, दो नंबर है जड़ें गहरी होती है। तो जड़ें गहरी होने का मतलब ये इसकी क्या विशेषता होगी कि जड़ें गहरी होती है, लेकिन फसल हो गई और वीड हो गया, तो फसल है उसकी जड़ें गहराई तक नहीं जाती, वीड की जड़ें गहराई तक जाती है, ठीक है। इसकी कई तो खरपतवार ऐसे होते हैं जिसकी 4 से 6 मीटर गहराई तक जड़ें जाती है, और फसल होती है इसकी अमूमन 10 से 15 सेंटीमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेंटीमीटर तक ही गहराई तक जाती है। तो वीड होता है जिसकी जड़ें गहराई तक जाती है, जिसके कारण पोषक तत्व मर्दानमी मतलब जल है, वो क्या करता है अवयोग करता है, तो पोषक तत्व हो गए, मर्दानमी हो गई, तो जल हो गया, मतलब वो नीचे गहराई तक, जितनी गहराई तक जाएगा, तो कोई भी मतलब मान लेते हैं हमें कि जब सूखा की स्थिति आती है तो फसल पहले नष्ट हो जाती है, लेकिन खरपतवार नष्ट नहीं होता, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहराई तक होती है, इसकी जड़ें क्या होती है बहुत गहराई तक होती है, जिसके कारण वह धीरे धीरे मर्दा नमी को शोषित करता ही रहता है, जिसके कारण यह विकसित बना ही रहता है, जिसके कारण इसकी क्या होती है जड़ें क्या होती है गहराई तक जाती है, ठीक है, समझ में आ गया। मेनली हिरण खुरी की जड़ें हैं वो सबसे लंबी होती है, 4 से 6 मीटर तक हिरण खुरी की जड़ें जाती है। पूछ लिया जाता है कि सबसे लंबी कौन से खरपतवार की जड़ें होती है, तो हिरण खुरी की जड़ें सबसे लंबी होती है, 4 से 6 मीटर तक, ठीक है, समझ में आ गया। यह हो गया अधिक जड़ें अधिक गहराई तक जाती है, ठीक है, ये खरपतवार की क्या होगी विशेषता होगी, दो नंबर विशेषता। उसके बाद आती है तीन नंबर कैरेक्टरिस्टिक की, खरपतवार के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, बीजों की अधिक जीवन क्षमता, तीन नंबर पर आता है बीजों का अधिक जीवन क्षमता, बीजों का अधिक जीवन क्षमता या बीजों की अधिक जीवन क्षमता। तो खरपतवार के बीज होते हैं उसकी अंकुरण क्षमता क्या होती है अधिक होती है, अंकुरण क्षमता क्या होती है अधिक होती है। कई बार हम देखते हैं कि खरपतवार के बीज सालों साल पड़े रहते हैं उसके बाद भी वो क्या हो जाते हैं अंकुरण हो जाते हैं, सालों साल पड़े रहते हैं उसके बाद भी क्या हो जाते हैं अंकुरण हो जाते हैं, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं खरपतवार की क्या होती है अधिक जीवन क्षमता होती है, खरपतवार के बीजों की क्या होती है अधिक जीवन क्षमता होती है, ठीक है। जैसे मैं लेता हूं हिरणकुरी खरपतवार है के बीज,
हिरण खुरी खरपतवार के बीज है वो 50 वर्ष तक अंकुरण क्षमता रखते हैं। अंकुरण क्षमता का मतलब हो गया कि कोई भी खरपतवार, मतलब हिरणकुरी खरपतवार है, उसके बीज एक जगह 50 वर्ष तक बने रहेंगे। 50 वर्ष तक अगर उसको हम रख के उसके बाद उसको बुआई के लिए छोड़ते हैं तो वो अंकुरित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अंकुरित हो जाएंगे। सबसे ज्यादा जीवन क्षमता हिरणकुरी के बीज में पाई जाती है 50 वर्ष तक, और सबसे लंबी जड़ें ही हिरणकुरी की होती है 4 से 6 सेंटीमीटर, और सबसे अधिक बीज जंगली चौलाई में पाए जाते हैं 1,96,000 बीज। ठीक है, तो ये आपको डाटा क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा जीवन क्षमता किस में पाई जाती है? हिरणकुरी के बीज में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 50 वर्ष तक पाई जाती है भाई। कितनी पाई जाती है? 50 वर्ष तक पाई जाती है। मोथा में 20 वर्ष तक पाई जाती है। कितनी वर्ष तक? 20 वर्ष तक मोथा में पाई जाती है जीवन क्षमता। मोथा के बीजों की जीवन क्षमता कितनी होती है? 20 वर्ष तक होती है। जंगली सरसों की होती है भैया 30 वर्ष। जंगली सरसों की कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। सबसे ज्यादा हिरणकुरी की होती है, कितनी होती है भैया? 50 वर्ष होती है। कितनी होती है? 50 वर्ष होती है। ठीक है, ये होगी बीजों की अधिक जीवन क्षमता। समझ में आ गया? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो मैं डाटा बता रहा हूँ भैया, उसको याद कर लेना, परीक्षा में आ सकते हैं, बहुत बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पर आता है। 4 नंबर पर है फसलों व खरपतवारों के बीजों में समानता। फसलों व खरपतवारों के बीजों में समानता कि फसलों व खरपतवारों के बीजों में क्या पाई जाती है भैया? समानता पाई जाती है, जिस कारण इसको हम क्या नहीं करते, डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब अलग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अलग नहीं कर सकते कि फसलों में खरपतवारों के बीजों में समानता पाई जाती है, जिसके कारण उसको अलग नहीं कर सकते। अलग नहीं कर सकते तो वो किसके साथ? फसलों के बीजों के साथ मिल जाते हैं। फसलों के बीजों के साथ मिल जाते हैं। जैसे ही उन फसलों के बीजों की हम क्या करते हैं? बुआई करते हैं। क्या करते हैं? खेत में बुआई करते हैं, सोविंग। क्या करते हैं? सोविंग करते हैं, तो फसलों या क्रॉप्स के बीज के साथ वो भी क्या हो जाते हैं? जर्मिनेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जर्मिनेट हो जाते हैं, ग्रो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जर्मिनेट हो जाते हैं, ग्रो कर लेते हैं। तो उसके बाद उस बीजों को निकाला जाता है या उस फसल को निकाला जाता है, साथ में वो खरपतवार भी निकल जाते हैं। यह रोटेशन क्या चलता रहता है? चलता रहता है। क्या करता रहता है? चलता रहता है। तो यह एक करैक्टरिस्टिक है कि फसलों व खरपतवारों के बीजों में क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। फसलों व खरपतवारों के बीजों में क्या पाई जाती है भैया? समानता पाई जाती है। ठीक है, समानता पाई जाती है, जिसके कारण उसको हम क्या नहीं कर सकते? डिफाइन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो समानता किस में पाई जाती है? एक होता है सत्यानाशी नाम का एक खरपतवार होता है जो कि सरसों में उगता है, और उनके बीज सरसों के बीज के सेम टू सेम क्या होते हैं? समान होते हैं भाई। क्या होते हैं? समान होते हैं। उसको हम अलग नहीं कर सकते, उसको हम अलग नहीं कर सकते। किसके? सत्यानाशी के बीज सरसों के बीज के क्या होते हैं भैया? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? फसलों व खरपतवारों के बीजों में समानता। उसके बाद 5 नंबर कैरेक्टरिस्टिक आता है। 5 नंबर कैरेक्टरिस्टिक है बीजों पर सुरक्षा आवरण। बीजों पर सुरक्षा आवरण कि खरपतवार के बीज होते हैं, खरपतवार के बीज होते हैं, उनके बीजों पर क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कई खरपतवार ऐसे होते हैं जिस पे कांटे या सख्त बाल पाए जाते हैं, जिससे
उनकी बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। बाह्य आघातों से क्या करता है? सुरक्षा करता है भैया। बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है तो वो क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित रहेगा जैसे ही हम अगली फसल बोएंगे उसके साथ उगाएगा भाई। तो बीजों पर क्या पाया जाता है? खरपतवार के बीजों पर क्या पाया जाता है? सुरक्षा का आवरण पाया जाता है जिसके कारण वो बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है, जिसके कारण वो क्या करता है? अगली फसल में उग आता है। ठीक है, ये हो गया बीजों पर सुरक्षा का आवरण, खरपतवार के बीजों पर सुरक्षा का आवरण का पाया जाना। ठीक है, उसके बाद आता है वानस्पतिक प्रवर्जन। वानस्पतिक प्रवर्धन का मतलब हो गया, वानस्पतिक प्रवर्धन का मतलब हो गया कि कोई भी पौधा है उसका पत्ती तना जड़ से हम क्या करते हैं, उससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। कोई भी पत्ती होगी, जड़ हो गया, तना हो गया, उससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। अगर मान लो कि कोई भी खरपतवार ऐसा हो जाता है बाय चांस के जिसमें बीजों से नए प्लांट्स नहीं बनते हैं, जिसमें बीजों से नए पौधे का निर्माण नहीं होता है, तो उसमें वानस्पतिक प्रवर्धन पत्ती जड़ तना उससे नया प्रवर्धन हो जाता है, उससे नया पौधा क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। ठीक है, जैसे हिरण खुरी की जड़ है, हिरण खुरी प्लांट की जड़ अगर हम नए क्षेत्र में ले जाते हैं या नए क्षेत्र में स्थापित करते हैं तो उससे नए प्लांट का निर्माण हो जाता है, नए प्लांट का निर्माण हो जाता है किससे? हिरण खुरी से। ठीक है, समझ में आ गया। तो खरपतवार में क्या पाया जाता है? वानस्पतिक प्रवर्धन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वानस्पतिक प्रवर्धन भी खरपतवारों में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वानस्पतिक प्रवर्धन हो गया खरपतवारों में, उसके बाद है कि खरपतवार होता है ना वो प्रत्येक प्रकार के मृदा में वृद्धि कर देता है, प्रत्येक प्रकार की मृदा में क्या कर लेता है? वृद्धि कर लेता है, प्रत्येक प्रकार की सोयल या मृदा में ग्रोथ वृद्धि कर सकता है। खरपतवार की यह विशेषता होती है कि खरपतवार होता है वो कोई भी मृदा ले लो उसमें वृद्धि कर सकता है। जैसे गाजर घास इसका एग्जाम्पल है, गाजर घास से क्या होता है कि अम्लीय क्षारीय कौन सी भी मृदा हो उसमें वो क्या कर लेता है? वृद्धि कर सकता है। तो ये उसकी क्या होगी? विशेषता होगी। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के मृदा में खरपतवार वृद्धि कर सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं भैया। ये हो गया कि प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि कर सकता है। उसके बाद आते हैं कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। कौन सी? कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है खरपतवारों में क्या अधिक होती है? अधिक पाई जाती है। कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है जिसके कारण कीट हो गया, कोई रोग हो गया उसकी तरफ नहीं आएगा तो वो क्या करेगा? जल्दी ग्रोथ करेगा तो उसमें क्या होगा? अधिक बीज उत्पादन होगा, वो जल्दी ही परिपक्व होगा। ठीक है,
यह हो गया कीट रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उसमें पाई जाती है। ठीक है, अब आती है प्रतिकूल जलवायु से प्रभावित, प्रतिकूल जलवायु से प्रभावित, प्रतिकूल जलवायु से प्रभावित प्रतिकूल जलवायु दशाएं जैसे होगी अतिवृष्टि, पाला, सूखा, जो मैंने पहले ही बताया था, अतिवृष्टि हो गई, पाला हो गया, सूखा हो गया, जिसके कारण खरपतवार क्या हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। खरपतवार ज्यादातर क्या नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, अपनी वृद्धि बनाए रखते हैं, अपनी वृद्धि क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, जिसके कारण ये इसकी एक विशेषता होगी कि प्रतिकूल जलवायु से भी प्रभावित नहीं होते हैं, प्रतिकूल जलवायु से भी वीड क्या नहीं होते हैं, प्रभावित नहीं होते। ये हो गई अपनी वीड की विशेषता, वीड की विशेषता अपनी क्या होगी भैया, कंप्लीट हो गई। ठीक है, वीड की विशेषताएं अपनी कंप्लीट हो गई। अब हम वीड से होने वाले फसलों पर वीड से होने वाली हानियों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि फसलों से वीड पर कौन कौन सी हानियां होती है, फसलों से वीड पर कौन कौन सी हानियां होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वैसे तो मेनली खरपतवार मतलब फसलों की वृद्धि पर हानि पहुंचाते ही पहुंचाते हैं, फसलों की वृद्धि पर हानि पहुंचाते ही पहुंचाते हैं, जिसके कारण किसानों को उसकी क्या हो जाती है, बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। ठीक है, खरपतवारों खरपतवारों से फसलों पर होने वाली हानियां। तो खरपतवारों से फसलों पर होने वाली हानियां की खरपतवार होते हैं वो फसलों पर कौन कौन सी हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, पहली हानि होती है कि खरपतवारों से अगर मेनली देखा जाए कि कोई भी फसल है उसमें 45% खरपतवारों से हानि होती है। 45% सोचने की बात है, 45% अगर उसकी उपज कम होती है तो उसमें खरपतवारों का रोल होता है। किसका रोल होता है, खरपतवारों का रोल होता है। ठीक है, और 30% होता है वो कीटों से होता है। 30% किससे होता है, कीटों से होता है। 30% किससे होता है, कीटों से होता है। वह 25% अन्य हो गया, 25% अन्य हो गया, जैसे कोई रोग हो गया, सूखा हो गया, काल हो गया, ऐसी कंडीशन 25% की होती है। लेकिन 45% खरपतवारों की हानि है, फसलों की हानि है वो किससे होती है, खरपतवारों से होती है। और उसको रोकने के लिए, उसको अगर हम रोकना चाहें या उसको रोकने के लिए only 4-5% ही अपनी इनकम लगती है, 5% ही इनकम लगती है खरपतवारों को रोकने के लिए या उनकी खरपतवारों से होने वाली हानि को रोकने के लिए। और ये खरपतवार है वो फसलों पर 45% तक हानि पहुंचाते हैं, सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। और ये क्वेश्चन ICAR 2015-2017 का क्वेश्चन पेपर आप बेझिझक उठाकर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि खरपतवारों का फसलों पर कितनी प्रतिशत हानि होती है, 45% हानि होती है, 45% हानि होती है। अब की बार ये क्वेश्चन शायद आपको जेट में भी देखने को मिल जाए। इतना डीपली कोई नहीं कराता है, मैं करवा रहा हूँ कि खरपतवारों की कितना परसेंट हानि होती है, 45% हानि होती है, कीटों द्वारा 30% हानि होती है और 25% हानि रोग के द्वारा होती है। कितनी
25% हानि रोग के द्वारा होती है, ठीक है, और 5% हानि, उसके बाद 5% हानि होगी वो अन्य कंडीशन हो जाती है, 5% हानि कम रहेगी वो कोई अन्य कंडीशन होगी उसके कारण 5% हानि होती है, ठीक है, समझ में आ गया। 100% हानि किस प्रकार होती है, ये हो गया खरपतवारों की हानियाँ। उसके बाद आती है फसल की उपज में खरपतवार जो हानि करता है, तो कौन कौन सी फसल होगी उसमें कितने परसेंट हानि होती है, कितने परसेंट नुकसान होता है, ठीक है। तो उसके बाद आती है फसल की उपज में कमी, फसल की उपज में कमी, फसल की उपज में कमी, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ फसल, एक तरफ लिख रहा हूँ कमी, वो भी किस में, परसेंटेज में, फसल और कमी किस में, परसेंटेज में या प्रतिशत में। तो मक्का पहली है अपनी, मक्का, मक्का से कितना परसेंट हानि होती है, 40% हानि होती है, मक्का में खरपतवारों से कितना परसेंट हानि होती है भैया, 40% हानि होती है। उसके बाद आती है गन्ना, गन्ना, गन्ना में 35% गन्ना में 35% हानि होती है। उसके बाद आती है चुकंदर, उसके बाद आती है चुकंदर जिसमें सर्वाधिक हानि खरपतवारों से होती है, 71% खरपतवारों से हानि होती है। उसके बाद आती है कपास, कपास में 48% हानि खरपतवारों से होती है, इसमें सबसे ज्यादा, सबसे सबसे ज़्यादा हानि होती है वो रोगों से होती है भैया, किससे, किसमें, कपास में सबसे ज़्यादा हानि किससे होती है, रोगों से होती है। उसके बाद आती है गाजर, उसके बाद आती है गाजर, और गाजर में 68% किसके, खरपतवारों द्वारा हानि होती है, किससे, खरपतवारों द्वारा 68% हानि होती है। उसके बाद आता है अपना प्याज जिसमें 65% हानि किससे होती है, खरपतवारों से होती है, ठीक है। मक्का हो गया, गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, चुकंदर में सबसे ज्यादा होती है भैया, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा हानि किस में होती है, चुकंदर में होती है, 71%, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, उसके बाद अपना आता है आलू, उसके बाद आता है आलू, आलू में होती है 25% किस में होती है, आलू में होती है। उसके बाद आती है गेहूं, उसके बाद आती है गेहूं, गेहूं में 35% हानि होती है, कितनी होती है, 35% हानि होती है। जो परीक्षा की दृष्टि से पूछने वाला था वो मैंने करा दिया कि आलू में कितनी होती है, मक्का में कितनी होती है, गन्ना में कितनी होती है, कपास में कितनी होती है, चुकंदर में कितनी होती है, गाजर में कितनी होती है, गेहूं में कितनी होती है, ये मैंने जो परीक्षा में पूछने वाला था वो मैंने करा दिया कि कौन कौन सी फसल में कितना परसेंटेज हानि होती है। वैसे सभी फसलों की हम नहीं कर सकते भैया, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही करवाया। उसके बाद होती है फसलों के उत्पादन या गुणवत्ता में कमी, दो नंबर पर आती है फसलों के, फसलों के उत्पादन या फिर बोल सकता हूँ मैं गुणवत्ता में कमी, फसलों के उत्पादन व गुणवत्ता के में कमी। तो पहला ले लेता हूँ चाय, चाय की हम क्या करते हैं, पत्तियां होती है, चाय की क्या होती है भैया, पत्तियां होती है, और चाय की पत्तियों में एक चाय में लगने वाला एक खरपतवार है लोरेंथियम, लोरेंथियम क्या है, लोरेंथियस, लोरेंथियस जो चाय के सेम टू सेम क्या होता है, चाय में लगने वाला खरपतवार होता है और चाय के समान ही होता है, ठीक है। अगर उसमें चाय में उसकी लोरेंथियस की पत्तियां मिल जाती है तो उसकी गुणवत्ता में क्या आ जाती है भैया, कमी आ जाती है, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार बनता है कि चाय में मुख्य रूप से लगने वाला खरपतवार कौन सा होता है,
तो चाय में मुख्य रूप से लगने वाला खरपतवार कौन सा होता है? लोरेंथिशियस। कौन सा होता है? लोरेंथिशियस खरपतवार चाय में लगता है, ठीक है। उसके बाद हो गया गेहूं में, उसके बाद हो गया गेहूं में, गेहूं में आपने सुना होगा गेहूसा, गेहूसा जिसको क्या बोलते हैं, फलेरिस फलेरिस माइनर बोलते हैं शायद, फलेरिस माइनर का क्या होता है बोटनिकल नेम होता है कि गेहूसा होता है। अगर ये गेहूसा गेहूं के आटे में मिल जाता है, अगर ये गेहूसा गेहूं के आटे में मिल जाता है तो पेट संबंधित विकार हो जाता है भाई, पेट संबंधित विकार उत्पन्न होने लगते हैं किसमें, मनुष्य में। तो ये देख लो कि खरपतवार अपने स्वास्थ्य के लिए कितने हानिकारक होते हैं। उसके बाद आता है सरसों, उसके बाद आता है सरसों, सरसों में सत्यानाशी, सरसों में सत्यानाशी, सरसों का तेल निकाला जाता है, सरसों का तेल निकाला जाता है। और सरसों के तेल में अगर सत्यानाशी के बीज मिल जाए और उसको हम अपनी चरम या चमड़ी पर लगा देते हैं तो चरम संबंधित रोग हो जाता है भैया, चरम संबंधित रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो देख लो कि खरपतवार अपने लिए कितने ही हानिकारक होते हैं, ठीक है। और बहुत से खरपतवार ऐसे होते हैं जो कीटों को सहारा देते हैं, मतलब जब फसलें नहीं होती हैं तो कीट उस पर आकर्षित रहते हैं, और जैसे ही फसलें उगाती है या हम ग्रो करवा देते हैं फसलों को तो वो कीट क्या हो जाते हैं, खरपतवारों को छोड़कर फसलों पर चले जाते हैं, तो ये फसलों को भी हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। ये अपना हो गया खरपतवारों की या खरपतवारों से होने वाली हानियाँ, ठीक है। तो आज के क्लास में ही हम इतना ही करेंगे, खरपतवारों से होने वाली हानियां होंगी, खरपतवार किसे बोलते हैं ये हो गया, खरपतवारों के कैरेक्टरिस्टिक या गुण भी हो गए अपने। और नेक्स्ट क्लास में जैसे ही हम मिलेंगे तो उसमें खरपतवार के उसके वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे, खरपतवार को कि किस किस वर्ग में डिवाइड किया गया। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।